जरूरत पड़ने पर कभी दुपट्टा तो कभी पर्दे उड़ाती है और फिर इस सीरियल की हीरो हीरोइन कभी से तो कभी पर्दों के पीछे से करने से सास को और बेटिया पंखा ये रिश्ता क्या कहलाता है सेट पर जहां अक्षरा और नैतिक एक बार फिर फरमा रहे हैं रोमांस। वाह क्या सीन है। और तो अब इस पंखे की हवा ने अक्षरा नैतिक के अंदर ऐसा रोमांस और रोमांच भरा कि वो चले गए 20 साल पीछे। शायद जो वक्त हम लोग यहाँ पे सब लोग के साथ नहीं बिता पाए 10 साल कोई सेलिब्रेशन नहीं हुई ना हमारे यहाँ ना यहाँ पर भी केप टाउन में भी नहीं हुई इंडिया में भी नहीं हुई। सो वी आर ट्राइंग टू आई थिंक समवेयर ट्राइंग टू ब्रिज दैट गैप और वी आर ट्राइंग टू मेक अप फॉर द टाइम लॉस्ट। तो ऐसा ही है और इसी बहाने अब जब हमारी शादी हो रही है तो हम लोग सारे लोग नैतिक बाबू हमें ये समझ में आ गया कि आप यहाँ अक्षरा से चोरी छुपे मिलने आए हैं लेकिन भाई आप दोनों भीगे भागे से क्यों हैं? अक्षरा मुझे फोन करके बाहर बुला लेती है और लोग से बुलाते हैं क्योंकि उन्होंने मैसेज नहीं किया होता है। अंशु के फोन से मुझे मैसेज करते हैं कि उन्हें मिलना है तो मुझे लगता है कि पता नहीं शायद कुछ हो गया है कि अंशु इस वक्त क्यों मिलना चाहता है। सो आई गो आउट एंड टू माई सरप्राइज अक्षरा वहाँ पर हो गई। तो फिर ये हमारा कुछ आप कह लीजिए स्टीलिंग मोमेंट्स है रोमांटिक मोमेंट्स है जहाँ पर हम दोनों मिलते हैं फिर बातें करते हैं फिर घूमते हैं थोड़ा सा तो वहाँ पर कुछ ऐसा हो जाता है कि बारिश का मौसम बिन बताए हम लोग क्रिएट करते हैं और जब वहाँ भीग जाते हैं और वैसे ही आते हैं तो उन्हें छोड़ रहा होता हूँ तो शी सेज दैट यू कम इनसाइड इतना क्योंकि आपको ऑलरेडी छींके आ गई। तो उस चक्कर में मैं अंदर आता बारिश में घूमने के बाद अक्षरा माता ने नैतिक पापा को अपने पास बुला लिया और उसके बाद शुरू हुआ दोनों का भीगा भीगा रोमांस। लेकिन एन मौके पर इनके पर्दे वाले रोमांस में खलल पड़ गया जब आ गई अक्षरा की माँ कि सासू माँ ना गलत वक्त पर आती हैं। लेकिन कहते हैं ना सासू माँ तो सासू माँ होती है उनकी पैनी नजर ने पहचान ली नैतिक की नॉटी नॉटी अदा और इसीलिए नैतिक हुए यहाँ से रफा दफा। उसने इनिशिएटिव किया था वैसे तो उसको हमेशा मैं यही कहता था कि किसी काम का नहीं बट आई थिंक इज लिव्ड अप टू माय एक्सपेक्टेशंस एंड इवन गो गॉन बियॉन्ड देम। सो उसने सब कुछ प्लान किया है आई एम वेरी हैप्पी एंड उन्हें भी मौका मिल रहा है तो हम दोनों भी बहुत खुश हैं। लेकिन रोमांस के अलावा एक और रोमांस की गाड़ी आगे बढ़ रही है उसकी गर्लफ्रेंड के पीछे अब नक्श का भाई पड़ा हुआ है। ओ माय गॉड नक्श बाबू कुछ कीजिए। लेकिन नक्श की गर्लफ्रेंड कैसे नाचते नाचते हर्ष की बाहों में गिर गई। देखिए लगता है ये मोहतरमा जल्द ही घर में दंगल मचाने वाली है यानी अब ये रिश्ता क्या कहलाता है में यंग जनरेशन का लव ट्रायंगल शुरू होगा यानी होगी प्यार की महाभारत। Thank you.
मिठाइयाँ वाली अक्षरा मैडम आज अपने घर वालों के साथ आ पहुँची है इस शानदार मेले में शॉपिंग करने। लेकिन यहाँ पड़ गया उनका एक बंजली चूड़ी वाले से पाला। ये जनाब चूड़ी पहनाने के बहाने अक्षरा रानी पर चांस मार रहे हैं। तो कहिए पहचाना आपने दाढ़ी वाले इस अक्षरा के आशिक को? अजी कोई और नहीं बल्कि उनकी पत्नी नैतिक है। लगा दी है पाबंदी। अब ऐसे में अपनी प्यारी अक्षरा रानी से मिलने के लिए नैतिक ने ढूंढ लिया ये नया बहाना। दाढ़ी लगाकर खुद बन गए चूड़ी वाले और पूरे मेले में लगा दिए अक्षरा के नाम के पोस्टर। तो कहिए नैतिक, आपकी इस अदा से अक्षरा इम्प्रेस हुई या नहीं? इतनी मेहनत की है तो फिर तो होना ही था। एंड आई थिंक शी वाज वेरी सरप्राइज्ड दैट ये सब मैंने ऑर्गेनाइज किया था उनके लिए। हर जगह बैनर लगा दिए थे और उन्हें सरप्राइज दिया एंड आई थिंक शी वाज वेरी हैप्पी। भाई सरप्राइज तो अक्षरा के साथ साथ आपकी बिटिया रानी नायरा को भी बहुत बड़ा मिला। पहले तो नायरा अपने पापा के इस अंदाज को पहचान ही नहीं पाई, लेकिन आखिरकार बाद में पकड़ी ही गई अक्षरा और नैतिक की चोरी। फर्स्ट आई कुडन्ट रिकॉग्नाइज हिम इनिशियली, तो फिर बाद में यू नो धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि वो उन्हें चूड़े पहना रहे थे पापा होंगे शायद। आई सेड कि मम्मा आपको पापा को शादी से पहले मिलना मना था ना, सो फिर मैं उनको ब्लैकमेल करती हूँ क्यों मुझे रिश्वत चाहिए कुछ ना चाहिए ये बात चुकाऊँ मैं, वरना मैं सबको बता दूंगी। भाई अक्षरा के लिए नैतिक की बेकरारी और बेताबी ही तो है कि कुछ दिन भी उनसे अलग नहीं रह पाते और हर बार ढूंढ लेते हैं अक्षरा से मिलने के नए नए बहाने। जैसे दाढ़ी लगा कर नैतिक ने अक्षरा को तो इम्प्रेस कर दिया, लेकिन करण के लिए इस गर्मी में दाढ़ी मूछ लगाना कोई आसान काम नहीं था। गर्मी बहुत है और ऐसा गेटअप करके खड़े रहना गर्मी में बहुत मुश्किल होता है। पिछली वाली में भी ऐसे बहुत हमने किए थे, आप कांड कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, लेकिन हमने ऐसे बहुत सारी कोशिशें की थी जब छुप छुपा कर मिले भी हैं, बहुत कुछ किया है। और आज भी इतने साल बाद भी वही जो कह लीजिए रीत है वो हमने निभाई। सो इट्स नाइस, आई थिंक इट्स क्वाइट रोमांटिक बिटवीन नैतिक एंड अक्षरा। ग्रीन रोमांस ही तो आप दोनों के रिश्ते की यूएसपी है जो समय के साथ साथ कम होने के बजाय बढ़ता जा रहा है। और हम तो यही चाहेंगे कि आपका आने वाला पुनर्विवाह आप दोनों के रिश्ते को और भी मजबूत कर दे। आज तक ब्यूरो।